ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है, हमारी माँ ने, बहन ने, भाई ने जितना भी हमको आवाज़ दिए, जब भी रात हो, दिन हो, मौत हो, मट्टी हो, दुख हो, सुख हो, हमको याद नहीं है, वक्त बता देंगे। मैं किसी में इसमें मैं किसी को मेरे साथ में टक्कर में नहीं समझता हूँ फिलहाल में, तो सिर्फ जंग की तैयारी में है। हमारे तो सैन्य तैयार है, हमारे पास में औजार तैयार है, हम सिर्फ जंग का भूल जो बसता है ना वो बजने की तैयारी में हम सब। सर भाई, आज आपने इलेक्शन कार्ड वाटप का प्रोग्राम लिया है, क्या कहेंगे, कितने लोग अभी वंचित है इलेक्शन कार्ड से, आप ये बताइए। अभी जो है तो इलेक्शन कार्ड में काफ़ी अच्छे खासे लोग तो पहले बहुत वंचित थे, लेकिन अभी अच्छे खासे लोगों का नाम इलेक्शन कार्ड मतदान यादी में आया है, और हमने जो है तो आज बहुत ज़्यादा इलेक्शन कार्ड बांटे भी, और ज़्यादा इलेक्शन कार्ड लिंक भी करे हमने। आज जो है तो हमने कल जो तो ऐलान करे थे इस चीज़ पर, क्या निवडणूक आयोग और हमारे माननीय जिला अधिकारी साहब के आदेश से जो तो इलेक्शन कार्ड वाटप और निवन आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड लिंक ये किया जाने के लिए जो तो लोगों को उत्साहित करो, इसलिए हमने ऐलान करने के बाद वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से आज इलेक्शन कार्ड वाटप भी हुए और इलेक्शन कार्ड लिंक भी करके दिए। इलेक्शन कमीशन ने एक नया रूल निकाला कि आपका आधार कार्ड जो है तो इलेक्शन कार्ड से लिंक होना बहुत ज़रूरी है, आपको क्या लगता है कितना जो है तो सही है ये रूल, अभी फिलहाल इतने कम समय में हो पाएंगे? इतने कम समय में होना पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन करना चाहिए और करना भी ज़रूरी है, क्योंकि निवडणूक आयोग का आदेश है और हमारे औरंगाबाद के जिला अधिकारी इनका आदेश है, तो ये आदेश हमको पालन करना चाहिए। इससे फायदा होगा जो बोगस वोटिंग जो लोग करते हैं उनकी पकड़ होगी? बिल्कुल होगा, जो लोग बोगस वोटिंग करा के लेते हैं और बोगस वोटिंग करते हैं वो लोगों की इसमें बिल्कुल पकड़ होंगी, क्योंकि जिसका आधार कार्ड लिंक रहेगा उसको ही आधार कार्ड के हिसाब से जो है तो डबल लिंक करते नहीं आएंगे, इसके लिए बिल्कुल बोगस वोटिंग जितनी भी होती है और जितने भी ये पैसे के ताकत पे जो लोग मतदान करा के लेते हैं और जो लोग जो है तो इसके अंदर बात करते हैं, हमको ये लोगों को जो आला डालने के लिए और ये भ्रष्टाचारों को आला डालने के लिए बहुत ज़रूरी है अपना आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड से लिंक करने का। इच्छुक उम्मीदवार है, नवंबर में इलेक्शन होने की आशंका जताई जा रही है, किस तरीके की आपकी तैयारी है और क्या लगता है इस बार वंचित यहाँ पे अपना दम दिखाएंगे? इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारी जनता ये पूरा बता देंगी कि यहाँ कौन किसके साथ में है। मेरे बोलने से क्या होता, हम तो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है, हमारी माँ ने, बहन ने, भाई ने जितना भी हमको आवाज़ दिए, जब भी रात हो, दिन हो, मौत हो, मट्टी हो, दुख हो, सुख हो, हमको यहाँ एक्टिव रहना पड़ता, और हम ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है, जनता ये चीज़ वंचित के साथ है और किसी के साथ है ये बता देंगे वक्त पे। एक आखिरी सवाल, इलेक्शन की गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है, आप अपना कॉम्पिटिटर यहाँ पे किसको मानते हैं, मतलब आपको कौन टक्कर दे सकता है या आप किसके खिलाफ यहाँ पे लड़ेंगे, MIM है, कांग्रेस है, सेना है या BJP? देखो भाई, सबसे पहली बात बोलता हूँ मैं, टक्कर में वो लोग आते हैं जो लोग गरीबों के काम करते हैं, यहाँ सिर्फ पार्टियों का नाम बोल के फायदा नहीं है, वक्त बता देगा। मैं किसी को मेरे साथ में टक्कर में नहीं समझता हूँ फिलहाल में, तो मैं सिर्फ ये समझता हूँ मेरा काम, मेरी जनता, मेरा विकास, मेरे नारेगा को विकास किस तरीके से हो सके उसमें मेरा विश्वास है, बाकी कि कौन मेरा टक्कर में है और कौन साथ में है, कौन कमज़ोर है ये बातों को मैं मानता नहीं है। अभी फिलहाल में मेरे टक्कर में कोई नहीं है, अभी हम ये देख रहे हैं कि हम बस्ती के मसले मसाइल के लिए काम उड़ा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अभी कोई नगर सेवक नहीं रहने के बाद महानगर पालिका में आंदोलन लेके जा रहे हैं, अभी हमारा बहुत जल्दी नारेगांव के विकास के लिए इलेक्शन लगने से पहले 4-5 बड़ी गलियों का डिनिस का रोड का काम चालू होने वाला है और ये हम करके रहेंगे इंशाल्लाह। महानगर पालिका के लोग आयुक्त ने आदेश देने के बाद जो तो नाले के पुल के स्टेटमेंट बने हैं, लेकिन वो काम कुछ पानी की वजह से रुके हुए हैं, और जल्द से जल्द वो काम भी चालू होने वाले हैं। यहाँ की जनता जो काम करता है उसके साथ में है, जो दुख सुख में खड़ा है उसके साथ में है, ये हमने जनता की तरफ से तुमको आने वाले इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ देकर ये साबित कर देंगे जनता। चलते चलते ये बता दीजिए कि अब हम ये मान के चले कि अफसर भाई जो है तो इलेक्शन की जोर पर तैयारी पर लग चुके हैं? हम तो सिर्फ जंग की तैयारी में है, हमारे तो सैन्य तैयार है, हमारे पास में औजार तैयार है, हम सिर्फ जंग का भूल जो बसता है ना वो बजने की तैयारी में, हम सब तैयारी है ना भाई, तैयारी में ना पूरा शहर है।